हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ड्रीम टैलेंट की एक और नई एजुकेशनल वीडियो। और आज मैं पेश करने जा रहा हूं आपके सामने हिमाचल के लोक नृत्य पे वीडियो, झमाकड़ा डांस, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बहुत ही फेमस डांस है। और इसे एक ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है औरतों के द्वारा। ये मोस्टली किसी वेडिंग ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें किसी भी आदमी का आना वर्जित है, मगर लड़के तो लड़के हैं, वो कहाँ मानते हैं। वो छुप छुप के इस डांस को देखते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल सलमान खान की मूवी में भी पेश किया गया था, जिस सॉन्ग का टाइटल था दीदी तेरा देवर दीवाना। उसमें भी सेम ऐसे ही वो छुप छुप के डांस देखता है, मगर ये प्रथा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहुत पुरानी है और ये डांस भी उतना ही पुराना है। पूर्व ऐतिहासिक काल की याद दिलाने वाला और दिल को डरा देने वाला ऐसा है किन्नौर का छांबा नृत्य, जिसे 3, 5, 7 या 9 की संख्या में पेश किया जाता है। और नृत्य करने वाले दानव का मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। और इस नृत्य में दर्शाया जाता है कि कैसे राक्षस फसलों पे हमला करते थे और अच्छाई की ताकतें उन्हें उनका पीछा करके उन्हें वहां से भगा देती थी। ये नृत्य एक नेता के अंडर होता है, जिसे घेरू के रूप में जाना जाता है, और बाकी लोग उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। कुछ क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं अलग अलग नृत्य करती हैं। नाटी, जो कि हिमाचल का एक बहुत ही ट्रेडिशनल और फेमस डांस है, इसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसे हिमाचल के लगभग सभी जिलों में परफॉर्म किया जाता है, फिर चाहे वो कुल्लू हो, शिमला हो, सिरमौर हो या अन्य जिले हो। इस नृत्य को बहुत ही धीरे गति से शुरू किया जाता है और धीरे धीरे इसकी गति को तेज कर दिया जाता है। इस नृत्य में ढोल, राणा सिंह की बांसुरी, शहनाई और नगाड़ों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं घर के आंगन में नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार करती हैं। नाटी कई किस्म की हैं, जिसमें प्रमुख कुलवी नाटी, गद्दी नाटी, महासवी नाटी, सिरमौरी नाटी, किन्नौरी नाटी। चंबा का ढांगरी डांस, जो कि पुरानी लोक कथाओं पर आधारित है और फसलों के मौसम के दौरान नैना देवी के मंदिर में किया जाता है ये डांस, जिसे गद्दी समुदाय की महिलाएं पेश करती हैं। और इस नृत्य में अलग अलग कथाएं पेश की जाती हैं। एक विषय रहता है आम आदमी गांव की लड़की और एक राजा का प्रेम, और दूसरे में एक ग्राहक और एक व्यवसाय के बीच में व्यवसायिक लेन देन को दर्शाता है नृत्य। भगवान बुद्ध की याद में और श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है छनक छाम नृत्य, जो कि लाहौल स्पीति का बहुत ही फेमस नृत्य है और ये लामाचक के अवसर पर पेश किया जाता है, जो हर 3 साल में एक बार होता है। इसका मुख्य आकर्षण होता है उनकी वेशभूषा और मुखौटे, जो कि बहुत ही चमकीले रंग के होते हैं। इस नृत्य को बहुत ही धीमी गति से पेश किया जाता है। किन्नौर क्षेत्र अपने नृत्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किन्नौर में 3 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। इसमें से सबसे लोकप्रिय कयांग माला है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं एक सेमी सर्कल में खड़े होते हैं और एक मीडियम एज का मेल और एक मीडियम एज की फीमेल इस नृत्य का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद ये गोलाकार
समूह धीरे धीरे घूमते हुए आखिरकार नेता हो चिल्लाते हैं और अपने घुटनों को झुकाते हैं और आगे की ओर झुकते हैं। नृत्यिकाएं गाना जारी रखती हैं और पहली दो महिलाएं गाती हैं और बाकी की उसको रिपीट करती हैं। ऐसा ये नृत्य घंटों तक चलता है। चोलांबा नृत्य, जो कि हिमाचल का बहुत ही फेमस नृत्य है, ये रोपा घाटी में किया जाता है। ये नृत्य सांप कुंडलित करते समय किया जाता है। जब भी किसी बाघ को मारा जाता है तो चोलालम नृत्य किया जाता है। ये नृत्य मृत शेर के नाक की त्वचा और सोने के आभूषण डालकर किया जाता है। लाहौल का धुरे का नृत्य, ये बहुत ही फेमस नृत्य है और सर्कल और सेमी सर्कल में इसे पेश किया जाता है। और इस नृत्य की खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का संगीत अवैध है। इस नृत्य में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों पर नाटक पर नृत्य किया जाता है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस। धन्यवाद।